नंबर वन जिन्होंने खालिस सल के लिए रखा और रोज़े के तकाज़े पूरे किए जिस तरह से रोज़ा रखने का हक़ है और ये भूख और प्यास से ही हक़ अदा होता है ये उस फीलिंग से ही हक अदा होता है अदरवाइज़ तो उसको रोज़ा हम नहीं कहेंगे या एक बंदा रोज़ा रख रहा है नमाज ही ना पढ़े बैक बाइटिंग भी जारी है फ़जूल अमाल भी जारी है तो वो भी फिर रोज़े के उसमें काउंट नहीं होगा तो अदीस से फिर ज़ाहिर यही साबित है कि ये एक फेवरेबल मंथ है टू डिटॉक्स योर हर तरह की डिटॉक्स स्परिचुअल डिटॉक्स जो भी दिल के अमराज हैं बीमारियाँ हैं उनसे डिटॉक्स हो बंदा जो भी जहनी बीमारियाँ हैं नेगेटिविटीज़ हैं उनसे डिटॉक्स हो बंदा अल्लाह के साथ अटैच हो के दुआ करके अल्लाह से ताल्लक़ कायम करके लोगों पर रहम करके हज़रतः कहती हैं ना कि रसूल अल्लाह सल व्म बहुत जेनरस थे और रमज़ान के मंथ में मज़ीद जेनरस हो जाते थे बहुत ज़्यादा जेनरस हो जाते थे तो इट्स अ मंथ ऑफ जेनरसिटी अगर आप पहले जेनरस हैं तो टेन टाइम्स वो जेनरसिटी बढ़ जानी चाहिए गिविंग की नेचर अफ्तारियाँ कराना लोगों को इनवाइट करना चैरिटी करना गुरबा और मसाकिन का ख्याल रखना रिश्तेदारों से ताल्लुक़ कायम करना मज़ीद जेनरस हो जाना वगैरह वगैरह उससे डिटॉक्स होता है बंदे के बहुत सी बीमारियाँ जो है जहनी औरकली बीमारियाँ वो डिटॉक्स होती हैं और ज़ाहिर है कि हेल्थ वाइज़ भी डिटॉक्स करना है हमें फिर इट इज़ दी मंथ ऑफ दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है रोज़ेदार की दुआ जो है वो कबूल होती है और अल्लाह के नबी सल वसल ने फरमाया अबू दाऊद की हदीस है कि वेरली योर लॉर्ड इज़ जनरस एंड शाए तुम्हारा रब शर्म वाला है जनरस है इफ़ इज सर्वेंट रेजिज इज़ हैंड्स टू हिम इन सप्लीकेशन अगर उसका बंदा उसके आगे हाथ उठाता है ही बिकम्स शाए टू रिटर्न दैम एम टी तो अल्लाह जो है उसको हया आती है कि मैं इसको एम टी रिटर्न ना करूँ यानी इस कदर ख़ूबसूरत हदीस है तो सोचे रोज़े की हालत में एक रोज़ेदार हाथ जब उठाता होगा अल्लाह के आगे तो क्या मामला होता गा ये तो आम हालात की बात हो रही कि एक आम बंदा जब हाथ उठाता है रब के आगे तो अल्लाह ताला बहुत शाय है और वो शाय फील करता है एम्प्टी हैंड रिटर्न करना तो रोज़ेदार की कदर ही और है रब के सामने तो जाहिर है कि उस दुआ का फिर एक और ही वो लेवल होगा आ, फेवरेबल एनवायरनमेंट की मैंने बात की डैवल्स को चेंज किया जाता है गेट्स ऑफ पैराडाइज़ खोले जाते हैं लेकिन ये फेवरेबल एनवायरनमेंट भी तभी अचीव होगा जब आप ऐसे हलाकत में जाएंगे जहाँ फ़रिश्तों की महफ़ल और वो मस्जिद है वो कुरानिक सर्कल्स हैं वो दुरूस तदरीस की जहाँ पर महफिलें हो रही हैं वो 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 वाली महफ़लें हैं वहाँ पर मज़ीद फेवरेबल एनवायरनमेंट आपको मिलेगा दिल नरम होने का और कुछ मज़ीद चेंज होने का और बहुत से लोग देखा गया कि तरावी पढ़कर चेंज हो जाते हैं बहुत से लोग जो है कुरान मजीद के साथ अटैच होकर चेंज हो जाते हैं सही अल बुखारी की हदीस है इफ़ वन डज़ नॉट लीव ऑफ फॉल्स स्पीच एंड एक्शन अगर कोई फॉल्स स्पीच और एक्शन को नहीं छोड़ेगा दैन देर इज़ नो नीड फॉर अल्लाह टू फॉर वन टू लीव ऑफ इज़ फूड एंड ड्रिंक फिर अल्लाह को उसकी भूख और प्यास की कोई ज़रूरत नहीं फिर वो भूख और प्यास है अगर उसने एक्शन फॉल्स एक्शन को ना छोड़ा और फॉल्स स्पीच को ना छोड़ा तो यंगस्टर्स के लिए ख़ास मैं कहता हूँ इट्स दी मोस्ट फेवरेबल एनवायरनमेंट टू लीव एडिक्शन्स फजूल किस्म की जो एडिक्शंस पड़ गई हैं तो इसमें हया पैदा करें अपनी नज़रों में और इस फेवरेबल एनवायरनमेंट का फुल फ़ायदा उठाएं क्योंकि रोज़े की हालत में बंदा वैसे ही बुरा अमल नहीं कर सकता इतनी हया तो सबको होती है और जाहिर है कि रोज़े खोल के फिर बंदा इबादत के लिए निकल जाता है तो वो टाइम भी वहाँ लग जाता है फिर इंसान जो है वो सहरी का वक्त आ जाता है सहरी करता है तो ये कंट्रोल सेल्फ़ कंट्रोल आ रहा है बंदे में और उसको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं छोड़ सकता हूँ एक गुनाह को क्योंकि रमज़ान में भी मैंने कंट्रोल किया रमज़ान में भी मैंने छोड़ा तो ये पुख्ता इरादा करके इसमें एंटर हूँ कि अगर ख़ुदाना खास्ता कोई किसी गुनाह में इन्वॉल्व है कोई बुरी आदत पड़ी हुई है तो वो रोज़े में छोड़नी है रमज़ान में उसको बिल्कुल तरक्क करना है और इन शह इसको कॉन्टिन्यू करना है आफ़्टर क्योंकि रमज़ान में तरक्क किया तो आगे भी और एक और चीज़ ये भी सीख सकते हैं कि रोज़ा बहुत हेल्प आउट करता है शहावत को कंट्रोल करने में रोज़े का बड़ा किरदार है अल्लाह के नबी सल व्लम कुछ साहबा जो है वो गुफ्तगु कर रहे थे हंसी मजाक कर रहे थे जैसे नौजवान अक्सर शादी और ये मुख्तलिफ ऐसी कन्वर्सेशन करते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम में से वो नौजवान जो शादी कर सकते हैं वो शादी कर लो लेकिन जो शादी नहीं कर सकता वो रोज़ा रखे क्योंकि रोज़ा शहावत को जो है वो कंट्रोल करता है तो ये रमज़ान में आप फील कर लेंगे कि वाकई रोज़े के बड़े असरात हैं शहावत पर बड़े असरात हैं तो लेकिन रोज़ा खुलते ही अगर हम टिकट खोल लेंगे या फजूल किस्म के प्रोग्राम्स खोल लेंगे तो वह सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी जो तकवा जो हया जो स्ट्रेंथ जो सेल्फ़ कंट्रोल हमने रोज़ा रख के अचीव किया और उसके बाद उसको बिल्कुल हमने नलीफाई कर दिया नेटफ्लिक्स पे बद नजरी कोई ना कोई हो ही जाती है इंसान की तो वो रोज़ा ख़राब करने के लिए जाहिर है तो फिर इंसान को ये भी सर्च करना चाहिए कि रोज़ा मकरू करने वाले अमाल क्या हैं ख़राब करने वाले अमाल क्या हैं गालम गलोच टूटता तो नहीं लेकिन ये कि बद नज़री कोई गलत चीज़ बंदा देख ले कोई गलत अल्फाज अदा कर दे गालम गलोच कर ले उससे रोज़ा मकरू हो जाता है लेकिन जो टूटने वाले अमाल हैं वो आपको पता है उस पर रिसर्च होनी चाहिए बंदे की तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं राइट माइंड सेट के साथ जो है वो रोज़े में एंटर होना आ, सही हदीस है इबन हिबान की अल्लाह के नबी सल ने फरमाया अल्लाह डिसाइक द वन हु इज़ रूड एंड ग्लटन अल्लाह का वो शख्स बिल्कुल नहीं पसंद कि जो आ, रूड है बदतमीज़ है और ग्लटन है ग्लटन का मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला है अल्लाह ने उसको पसंद नहीं फ़रमाया हु शाउट्स इन द मार्केट प्लेस ओछी हरकतें करना शाउटिंग करना मार्केट प्लेस में शाउटिंग वैसे ही नापसंद है अल्लाह व तआला को तो घरों में नरमी से बात करनी चाहिए शाउटिंग नहीं करनी चाहिए ऊँची आवाज़ नहीं इख्तियार करनी चाहिए और ऊँचे ऊँचे हंसना नहीं चाहिए ओछी हरकतें ये पसंद नहीं फरमाई गई हु इज़ अ रोटन कॉर्प्स बाय नाइट जो कि रात को जिंदा लाश की तरह है एंड वर्क्स लाइक अ डोंकी बाय डे और सुबह को गधे की तरह काम करता है नॉलेजेबल इन वर्ल्डली मैटर्स दुनियावी मामलात में बला का नॉलेज है एंड इग्नोरेंट ऑफ द मैटर्स ऑफ हेयर आफ्ट और उखरवी मामलात में कोई नॉलेज नहीं है इग्नोरेंट है चाहिल है तो ऐसे शख्स को अल्लाह ने पसंद नहीं किया इससे ये साबित होता है कि रमज़ान का गोल इसके ऑपोजिट है बुरी आदत को की लिस्ट बनाई जाए तीन बुरी आदत झूठ बोलता हूँ ओके उसकी लिस्ट बन गई झूठ बहुत बोलना रूड बिहेवियर रूड है माँ बाप के साथ रूड है दोस्तों के साथ रूड है बिहेवियल इश्यूज़ हैं बिहेवियल प्रॉब्लम्स हैं वो लिस्ट बन गई ठीक है तीसरी कोई और लिस्ट बन गई कोई गुनाह का अमल है जी ये बुरी आदत छोड़नी डेली रात नेटफ्लिक्स देख के सोता हूँ इस आदत की लिस्ट बना ली कि नहीं अब कुरान पढ़ के सोना है रिप्लेस करना है इस हैबिट को बुरी आदत है फेसबुक बहुत यूज़ करता हूँ बुरी आदत है उसकी लिस्ट बन गई तो ये इसके ऑपोजिट आपने रमज़ान में करना है पूरा एक महीना लिस्ट ये पूरा आपको बिहेवियल मेकनिज़म है ग्लटनी के ऑपोजिट चलना है बहुत ज़्यादा खाने के ऑपोजिट चलना है कम खाना है कम खाने की आदत डालनी है शाउट्स इंदा मार्केट प्लेस ओछापन अगर कोई है उस बीमारी को कम करना है रॉटन कॉफ्स बाय नाइट से मुराद है कि अपनी रात जिंदा लाश की तरह गुजारना यानी थक हार के बस हो जाना कोई अच्छा अमल नहीं है कोई विजन नहीं है कोई मकसद नहीं है जिंदगी में बस खा ले खाले पीले जीले से ज़िंदगी गुजरी या रोटन काप्स बाई नाइट को तो मैं एक और तरह से भी समझता हूँ जैसे अल्लाह माफ़ करे आज कल नौजवान जो है बिल्कुल इस तरह रात गुजारते हैं जैसे ज़िंदा लाश है मोबाइल हाथ में पकड़ा होता है जॉम्बे की तरह आँखें लाल हुई होती हैं टी वी चल रहा होता है रोटन कॉप्स ही है ना जिंदा लाश ही है तो वो चीज़ पसंद नहीं की गई उसके ऑपोजिट चलना और वर्कस लाइक अ डोंकी बाई डे यानी इससे मुराद ये है कि सारी तोज्जो दुनियादारी में गधे की तरह काम करना और दुनियावी मामला बहुत नॉलेज होना लेकिन उखरवी मामला में एक्सक्यूज़ेज़ देना कि नहीं मुझे इसका नॉलेज नहीं है मुझे इसका इल्म नहीं ना उसकी जस्तजू करना वो नॉलेज हासिल करने की जस्तू भी ना करना तो ये मंथ में गोल बनाएं कि कोई किताब भी पढ़नी है मैंने कुछ ज़कवा़त के मसाइल पर किताब पढ़ लें कितनी किताबें दारुस्म में भरी हुई है किताबों से पूरी आप कलामुल्ल डॉट कॉम मैंने आपको एक रेफ़र किया इस्लाम हाउस डॉट वेबसाइट है किताबोसन्नत डॉट कॉम वहाँ उर्दू कुतब हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं अगर किसी को ऑनलाइन पढ़ने का शौक़ है कोई ना कोई किताबें तीन चार ऐसी रखें जिनका मुताल करें रियाज सालहीन पढ़ सकते हैं हदीस का मजमू है बड़ा ज़बरदस्त रियाजालीन उसमें ज़िंदगी के दीर मामल के हवाले से हदीस जो है वो आ, उसका एक मजमू है इमाम इमामबी ने उसको जो है वो उसको जमा किया है बड़ी ज़बरदस्त किताब है ये अमाल के लिस्ट बनाना रमजान में बहुत ज़रूरी है ताकि हम कल को जब रमज़ान से निकलें तो कुछ नॉलेज के साथ निकलें कुछ अचीव किया हो हमने सिवाय भूख और प्यास के कुछ और चीज़ें भी अचीव की हों ठीक है आ, तो लास्टली बस यही है कुरान मजीद क्या चैप्टर फिफ्टी सेवन वर्स सिक्सटीन कि अल्लाह तला कहते हैं कि हेज़ नॉट द टाइम कम फॉर दार्ट दोज हो बिलीव टू बी अफेक्टेड बाई अल्लाज रिमाइंडर क्या वक्त नहीं आ गया कि वो लोग जो ईमान रहे हैं उनका दिल अफेक्ट हो अल्लाह तला के रिमाइंडर से लेट्स दे बिकम एज दोव द स्क्रिप्चर एंड द टर्म वाज प्रोलॉन्ग फॉर दैम एंड सो देर हार्टार्ट एंड ना कि वो ऐसे बन जाएँ कि जिनको किताब दी गई लेकिन उन्होंने किताब का फ़ायदा नहीं उठाया उनके लिए टर्म प्रोलॉन्ग की गई और उनके दिल सख्त हो गए तो जब हम रमज़ान से निकले तो मेक शोर हमारे दिल नर्म है लेकिन वो कब नर्म होंगे जब हम रमज़ान का वो मकसद अचीव करेंगे जो मकसद रमज़ान हमें देने आया है और जब हम कुरान मजीद से अटैच होंगे और जब हम अल्लाह ताला की वर्शिप से अटैच होंगे इसीलिए अभी से अपनी नमाज़ें लंबी करनी शुरू कर दें अजकार अभी से शुरू कर दें बारह सुनते अभी से ले आएँ कुरान डेली अभी से पढ़ना शुरू कर दें मुख्तलिफ सूरतें अभी से याद करना शुरू कर दें दुआ अभी से याद करना शुरू कर दें ताकि आप अपनी रूटीन अभी से एडजस्ट कर लें और रमज़ान में ना एडजस्ट करते फिरें तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे जजाक खैर सुबह नबी हमदी का शादुल्लरबी वालक वरम्बर दीन की बातें फैलाना सबका जारिया है नीयत से इसे दूसरों को भी शेयर करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें